हाय, दिस इज जय हियर। तो बेटा, यहाँ पर हमने एक सीरीज शुरू की जिसको हमने नाम दिया है छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाल का मतलब ये है कि यहाँ पर हम दो क्वेश्चन पर डे लेकर के आएंगे और वो दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे और जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन आज जो हमने लिए वो हमारे लिमिट चैप्टर से हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारे पास। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टू द पावर वन बाई लॉग टेन एक्स। बहुत जल्दी से जो है वीडियो को पॉज करिए, एक बार अपने मन से अप्रोच करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो चलो देखो ऑप्शन क्या है, जीरो, वन, ई और वन बाई। एक बात तो तुमको पता है कि अगर कभी भी वन में पावर कुछ भी लगा दें, मैंने क्या बोला, वन में पावर कुछ भी लगा दें तो वैल्यू हमेशा वन रहेगी। लेकिन वो पावर कैसी होनी चाहिए, या तो वन एग्जैक्ट हो या पावर कुछ भी हो, समझो मेरी बात को। अगर वन एग्जैक्ट नहीं है, मान लो वन जो है वन से थोड़ा सा कम है, फिर हम पावर कुछ भी लगा दें तो वो वैल्यू वन नहीं होने वाली, समझ में आ रही बात। बट अगर एग्जैक्ट वन टू द पावर वॉट एवर, दिस विल ऑलवेज गिव्स यू वन। क्लियर नाउ। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा फॉर्मेट बन रहा है हमारे पास। तो हमने पाई बाई फोर रखा, पाई बाई फोर का मतलब 3.14 बाई फोर। ठीक है, सो इट मींस 0. समथिंग कुछ है ना। तो यहाँ पर 0. समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, जीरो होगा बेटा। तो 1 प्लस जीरो 1 हो गया, 1 के पावर कितना हो गया आपका, आपका लॉग टेन एक्स, टेन पाई बाई फोर 1 होता है, लॉग 1 जीरो हो गया, तो मतलब 1 बाई इन्फिनिटी। मतलब ये जो फॉर्मेट बन रहा है आपका, ये जो फॉर्मेट है 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। क्लियर नाउ। अब अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं लिमिट के कॉन्सेप्ट से तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा, बट मैं थोड़ा सोच के देखता हूँ। सोचना क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर पाई बाई फोर यहाँ पर पुट किया नीचे, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में पाई बाई फोर जब अंदर जाएगा, तो पाई बाई फोर मतलब 0. तो 0. का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है, वो तो एग्जैक्ट जीरो आएगा, वो आपका एग्जैक्ट जीरो होगा। और वन प्लस एग्जैक्ट जीरो, दिस विल गिव्स यू एग्जैक्ट वन। क्या बोलो मैंने, एग्जैक्ट वन। अब अगर ये एग्जैक्ट वन मिल रहा है तो ऊपर लिमिट का कोई आंसर कुछ भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी आ जाए, तो आपकी वैल्यू कितनी होने वाली है, वो हमेशा वन होने वाली है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतने बड़े से क्वेश्चन में हमने कहीं भी पेन का यूज नहीं किया, थोड़ा सा सोचा है मैंने और बस इस क्वेश्चन का हमने आंसर यहाँ पर बता दी। चलो, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एन इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसके बाहर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन इंटू टेन एक्स अपॉन में एक्स। ऑप्शन क्या है मेरे पास, एन टू एन माइनस वन, टू एन प्लस वन और डज नॉट एग्जिस्ट। देखो यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, इट मीन्स हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सोचना क्या है, हमारे पास जो रिजल्ट होते हैं, एक हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी की लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पर कि आप जो है एक बात याद रखो कि जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, ये वन से थोड़ा सा कम होता है और ये वन थोड़ा, ये जो वन है, ये वन जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही माइनर क्वांटिटी होती है, बट जो एग्जैक्ट यहाँ पे सिचुएशन होती है, साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वन से थोड़ा सा कम और टेन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वन से थोड़ा सा ज्यादा। अभी बता दूंगा वीडियो के एंड में कि ऐसा क्यों। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेटा, अगर हम एन के साथ में कोई भी वन से कम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% पूरी क्वांटिटी जो होगी वो एन से थोड़ा सा कम हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और ये क्वांटिटी जो हो जाएगी आपके पास, ये एन से थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मैं इसको एन माइनस लिख लेता हूँ, प्लस ये वाली क्वांटिटी सेम, ये एन से थोड़ी सी प्लस हो जाएगी, है ना। ये आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर मैं थ्री में वन से थोड़ी सी कम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो क्वांटिटी अपने आप थ्री से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। क्लियर। सो यहां पर आप देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एन नंबर लिखा है लेकिन एन जो है वो एन से थोड़ा सा कम है। इट मीन्स मान लो फोर लिखा है लेकिन वो फोर जो है वो फोर से थोड़ा सा लेस है, मतलब 3.9999 कुछ ऐसा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, वो तो बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला, वो क्या करेगा, उसको सीधे सीधे क्या करेगा, एक एक यूनिट कम कर देगा। तो जो हमारे पास फोर हमने रखा था वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्री में कन्वर्ट कर देगा। मतलब 3.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना हो जाने वाला है, थ्री। तो सिमिलरली एन का ग्रेटेस्ट, एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर वैल्यू कितनी दे देगा, एन माइनस वन। इतना सा काम खत्म। यहाँ पर एन प्लस है मतलब एन से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एन ही रहने वाला है। तो वैल्यू कितनी आ गई, टू एन माइनस वन। ठीक है, इट मींस बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अब मैं इस रिजल्ट को समझा देता हूँ। देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स की जो सीरीज होती है, मतलब साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस डॉट डॉट ऐसे। यहाँ से बेटा हमने एक्स कॉमन किया और इसके अपॉन में लगाया, तो साइन एक्स अपॉन एक्स बनेगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस डॉट डॉट ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गई बात। अब दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बनेगा ये, और यहाँ पर भी बेटा ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये वन माइनस है ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और ये एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा।
तो बेटा जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 माइनस कुछ ना कुछ होगा ना। अब ये क्वांटिटी चूंकि टेंडिंग 0 है, तो जब आप यहाँ 0 पुट कर रहे होगे तो एग्जैक्ट 0 तो होगा नहीं, 100% 0 से थोड़ा सा कम ही रहेगा या ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, 1 में 1 माइनस जो कर रहे हैं क्वांटिटी, वो एग्जैक्ट 0 ना होके अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। क्लियर है? इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी 1 में कुछ भी माइनस कर दोगे तो 1 से कम। सिमिलरली tan x की सीरीज ओपन करके देखो तो वो प्लस में सीरीज होती है, तो यहाँ पर प्लस आएगा 1 प्लस। क्लियर? सो वहां पर हमें बेटा जो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक से क्वेश्चन थे, ट्राई करना एक बार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है? और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।